नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इसराइल हमास की जंग का 17वां दिन, गाजा में अब तक 4600 लोगों की मौत, गाजा में 14245 लोग अब तक हुए घायल। दक्षिण लेबनान में इसराइल की स्ट्राइक, गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी। इसराइल के हमले को लेकर ईरान की चेतावनी, हमला जारी रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच, चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित हो रहा मैच, मैच देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचे लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर, सीएम का सघन जनसंपर्क, मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट पहुंचे अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का पार्थिव शरीर, केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज, मां सिद्धिदात्री की हो रही आराधना, घर घर हो रहा कन्या पूजन। नई दिल्ली के पूसा परिसर में एनसीएल की राष्ट्रीय संगोष्ठी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनसीएल का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर किया जारी, पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री के होर्डिंग, सपा प्रवक्ता फखरुल अहसन चांद ने लगाया भावी प्रधानमंत्री का होर्डिंग। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का होर्डिंग लगाने के बाद बयान, कहा अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होता है लेकिन उनके प्रति प्रेम व सम्मान जताते हुए नेता और कार्यकर्ता कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं की कामना है कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने और जनता की सेवा करें। एमपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर किया प्रदर्शन। नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को बदलने की मांग। प्रतापगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, नाकाबंदी के दौरान तस्कर ने किया भागने का प्रयास। कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी, 15 मौजूदा मंत्रियों को मिला टिकट, सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों को भी मिला इनाम। दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दिल्ली में बढ़ते AQI पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक, GRAP के दूसरे चरण और मौजूदा AQI स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई बैठक। दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय का प्रदूषण मामले पर बयान, कहा हम सब मिलकर प्रदूषण के लिए काम करने वाले हैं, आम जनता को समझना होगा कि प्रदूषण कम करने के लिए उनके योगदान की भी जरूरत है। MCD कचरा प्रबंधन पर काम करती है और हम चाहेंगे कि जहां जहां कचरा हो वहां हम उसका प्रबंधन करें जिससे प्रदूषण से निपटा जा सके। जम्मू श्रीनगर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मुगल रोड पर भारी बर्फबारी से मार्ग पर बर्फ की मोटी परत देखी जा सकती है। बर्फबारी के कारण मुगल रोड मार्ग बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 23 और 24 अक्टूबर को मौसम तेजी से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज, महानवमी के अवसर पर कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, जगह जगह प्रशासन मुस्तैद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कराया कन्या पूजन, महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर कराया कन्या पूजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार किया कन्या पूजन। गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नव दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से पूजन किया, उपहार देकर कन्याओं का आशीर्वाद लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी के पांडू इलाके में कई पूजा पंडालों का दौरा किया और नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा अर्चना की। रांची में महानवमी के अवसर पर शस्त्र पूजा, झारखंड सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में शस्त्र पूजा वर्ष 1880 से चली आ रही है परंपरा। शारदीय नवरात्रि महानवमी पर मंदिरों में भक्तों का तांता, दिल्ली में महानवमी पर कालकाजी मंदिर में की गई आरती। गुजरात के वडोदरा में 25,000 दीयों से की गई महाआरती, महाअष्टमी के अवसर पर गरबा कार्यक्रम में की गई महाआरती। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह हुआ आयोजित, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। जयशंकर ने संबोधन में कहा, मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में था, G20 काफी हद तक बातचीत का विषय था, बहुत से लोग आश्चर्यचकित हैं कि G20 मजबूत स्थिति और गहरे मतभेदों को दूर कर सकता है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में क्षतिग्रस्त हुआ फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा, ललिता पार्क बस स्टैंड के पास है फुट ओवर ब्रिज, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुंबई के कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर संतूर बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं खबर। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में राजराजेश्वर मंदिर पहुंचे और देवी के 9 रूपों की आराधना कर पूर्णाहुति दी। इस दौरान राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र और राज्यपाल कलराज मिश्र के परिजन भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
बूंदी के तालेड़ा में जलोदा फाटक के पास युवक का मिला शव। रेलवे गार्ड ने पुलिस को दी सूचना। तालेड़ा कस्बा निवासी 22 वर्षीय धीरज जोशी के रूप में हुई पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस। डीजवाना में सड़क हादसे में दो व्यक्ति घायल हुए। सड़क के बीचों बीच मवेशी आने से हुए हादसा। बाइक का संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरे चालक। दोनों घायलों का उपचार जारी। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए जारी अभियान। पुलिस ने गश्त के दौरान मंदिरपुर तिराहे से फैजान खान को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद। कोटा रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने 3 सरकारी आवासों को बनाया निशाना। नकदी और जेवर लेकर चोर हुए फरार। रेलवे कर्मचारी कुंज बिहारी मीणा, शिवजीलाल गुर्जर और मुकेश मीणा के क्वार्टर में हुई चोरी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कार ने एक महिला को पीछे से टक्कर मारी। महिला ममता शर्मा को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घर से सब्जी लेने निकली थी महिला। अजमेर के नसीराबाद में पुलिस ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल कर जेवरात और नकदी ऐंठने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में झुंझुनू पुलिस अलर्ट मोड पर है। आचार संहिता के लगने के बाद 1,55,00,000 की हुई बरामदगी। एक ही दिन में पुलिस ने सूरजगढ़ बगड़ गोटरा में 17,50,000 की नकदी पकड़ी है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई की मॉनिटरिंग से मिल रही है सफलता। विभिन्न थाना क्षेत्र के नाकों पर तीनों शिफ्टों में चल रहा है सघन तलाशी अभियान। धौलपुर के मनिया में महिला को कार ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मृतका के शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में शाहपुर टोल टैक्स के पास तेज गति से आ रही कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको गंभीर हालत होने के चलते जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। उदयपुर ग्रामीण इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर तेज मध्यम और मूसलाधार बारिश का दौर हुआ शुरू। 3 दिन से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। बालोतरा में चुनावों के मद्देनजर पुलिस का सघन जांच अभियान जारी है। जिले में 14 स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी हुई। नाकाबंदी के दौरान की गई वाहनों की जांच पड़ताल। एक एक वाहनों को किया गया चेक। कई वाहन किए गए सीज। एसपी ने कई चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। धौलपुर में रावण का 51 फीट ऊंचा पुतला बनकर तैयार। कलाकारों को रावण में एकनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाने में लगे 15 दिन। मेला मैदान में विजयदशमी के दिन होगा रावण दहन। कार्यक्रम में रंग बिरंगी लाइट और विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था। प्रतापगढ़ में भय मुक्त शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जिला निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत प्रत्येक पुलिसकर्मी को मतदान करने की भी शपथ दिलाई गई। बांसवाड़ा के घाटोल में बाइक और पिकअप के बीच भिड़ंत हो गए। हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है और इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।